मैं गौरवराज सिंह शक्तावत और मेरे साथ दो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग कल्याण सिंह बघेल जी और विनय बिश्नोले जी आज हमारे साथ हैं। आज हम चिली की फील्ड में खड़े हैं और चिली के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि किसान भाइयों को इस समय क्या करना चाहिए मिर्ची के खेत में और आपको आगे किस प्रकार के कीट लगते हैं उनके लिए क्या रोकथाम इस समय किसान भाइयों के लिए जरूरी है। तो कल्याण सिंह जी, ये मिर्ची अभी कितना दिन की हो रही है? ये लगभग 75 डेज क्रॉस कर रही है मिर्ची। 75 दिन की मिर्ची है। 75 दिन की मिर्ची में क्या क्या इंसेक्ट इस समय आते हैं? अभी मेजर जो प्रॉब्लम चल रही है, एक तो चल रही है थ्रिप्स की जी, थ्रिप्स के साथ साथ में ये चल रही है अपनी माइट की प्रॉब्लम। तो थ्रिप्स के लिए आप लोग अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हम थ्रिप्स के लिए सजेस्ट करते हैं बहुत अच्छा एक वर्ल्ड विश्व का बहुत ही बेस्ट थ्रिपीसाइड अभी अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो लार्गो के नाम से आता है। इसमें होता सर ये है कि जब भी हम इसको स्प्रे कराते हैं तो थ्रिप्स का तो हमें कंट्रोल मिलता ही है, उसके साथ में आप देखना ये हमारी फली की जैसे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे फ्रूटिंग चालू हो गई तो फ्रूटिंग में स्टार्टिंग में क्या वो उसकी एक पोड बोरा आती है फल के लिए, तो उसको भी कंट्रोल करेगी। और इसके साथ में जो बेस्ट इसका सॉल्यूशन है केनोपी, आप देखो फील्ड की केनोपी बहुत अच्छी देखने को। तो इसका क्या डोज है लार्गो का सर? लार्गो का अगर हम चिली की बात करें, ये बेसिकली चिली के लिए और कॉटन के लिए प्रोडक्ट है। चिली में इसका जो डोज है 180 ml और अपन ने अगर यहाँ पंप से दवाई डालते हैं तो 20 ml प्रति पंप इसका डोज जाता है। जो बताया उन्होंने ये फ्रूट बोरर आता है, इसके अलावा जो अन्य थ्रिप्स आती है उसको रोकने के लिए लार्गो का उपयोग करें आप 180 ml प्रति एकड़ मिर्ची की फसल में, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा, उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद किसान भाई।